कोई एबसेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो फीस कलेक्शन ऑटोमैटिक मार्केटिंग कैसे करेंगे टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना टीचमेंट अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर चाहे जैसी भी जरूरत हो टीचमेंट पे टीचिंग आसान है आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप हेलो दोस्तों तो एन यानी नीट एग्जामिनेशन पोस्टपोन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है जो असम की जो सरकार है वो क्लास टेंथ एंड ट्वेल्व की एग्जामिनेशन जो वो है वो रोक दिए हैं इसके कारण आपकी एग्जामिनेशन पोस्टपोन की जाने की पूरी तरह आशंका है क्या कुछ न्यूज है मैं आपको पूरी न्यूज़ पढ़ करके बताता हूँ ठीक है ना उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पास वाले वे लाइन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी आपको मैं सारा न्यूज़ पढ़ पढ़कर भी बताता हूँ वीडियो के साथ पूरी बने रहें जो कुछ भी यहाँ पर जो इफॉर्मेशन मिलती है बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है ठीक है सर so, so, जैसे यहां पे आप, आप देखते हैं कि नीट 2021 लेटेस्ट न्यूज एग्जाम डेट इज वन अगस्त कैन बी पोस्टपोन टू सितंबर तो एग्जामिनेशन तो डेट जो वो एक अगस्त को है लेकिन वो कब तक पोस्टपोन किया जा सकते हैं सितंबर तक रीजन क्या है मैं हमें रीजन बताता हूँ इसके नीचे रीजन भी लिखी गई है एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल सुन एट एन टी ए डॉट तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आएगी ये वेबसाइट पर आएगी एक नई वाली वेबसाइट है जिसको आप नोट करके कहीं लिख लीजिएगा ठीक है ना कहीं पर नोट कर लीजिएगा इसको आगे क्या लेटेस्ट न्यूज इज डैट there are high chances to postponement of NEET UG 2021 exam date. This is because Assam government has announced they will hold board exam tenth and twelfth. आप देख सकते हैं दोस्तों कि Assam board ने ऐसा announce किया है कि class tenth and twelfth की examination जो हो एक से पंद्रह अगस्त तक जो हो होल्ड किए गए हैं अभी तक रोके गए उसको यानी कि एक से पंद्रह अगस्त तक कोई भी एग्जामिनेशन असम में नहीं हो पाएंगी यानी क्लास टेंथ एंड ट्वेल्व के जब ये एग्जामिनेशन क्लास टेंथ एंड एंड ट्वेल्व के रोके गए तो उससे ये भी इफेक्ट पड़ता है कि नीट एग्जामिनेशन जो हो एक और पंद्रह अगस्त के को नहीं कंडक्ट कराए जाएंगे और इसके डेट हाई चांस है कि डेट आगे बढ़ाए जाएंगे मैंने आपको बहुत सारा चांस बता सकता हूँ अभी कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ठीक है ना आगे एक्सपेक्टेड टू नीट में पोस्टपोन नीट टू सितंबर तो आप देख सकते हैं सितंबर तक जो नीट पोस्टपोन किया जा सकता है हालांकि सितंबर के लास्ट में एग्जामिनेशन जो है वो ले लिए जा सकते हैं देखिए सबसे पहली बात कि अभी मैं आपको एक न्यूज़ और दिखाने वाला हूँ ठीक है ना इस वीडियो को पहले पूरा ध्यान से आप देखिए सबसे सब पहली बात की देखिए पंद्रह तारीख तक बोले हैं कि पंद्रह तारीख के बाद जो है वो सॉरी पंद्रह दिन बताएं कि पंद्रह दिन के बाद ही कोई इस पर निर्णय लिया जाएगा और जब पंद्रह दिन के बाद इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा तो अभी आपके एग्जामिनेशन में पचास दिन बचे हुए हैं और अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आएगा एप्लीकेशन फॉर्म अगर पंद्रह दिन के बाद आए तो हंड्रेड तो दोस्तों डिले किया जाएगा इसको आप मानकर चलिए ठीक है ना अगला न्यूज़ जो है यही है दोस्तों कि नीट और सी यू सी टी एग्जामिनेशन जेई मेन से सभी पे डिसीजन जो है दोस्तों अगले सप्ते अगले दो सप्ताह में डिसीजन जो है वो होने वाला है तो दो सप्ताह के बाद डिसीजन होगी तभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए इस कारण हंड्रेड आपके एग्जामिनेशन पोस्टपोन की जाने की आशंका है बल्कि आपको तैयारी जो है दोस्तों वो करती रहनी है तैयारी को छोड़ने नहीं हम मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ ठीक है ना तैयारी आपको करती रहनी है चलिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया देख सकते हैं दोस्तों कि कब का न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके जरूरी है धन्यवाद आपका दिन सुबह हो